हेलो फ्रेंड्स, मैं पेंटर दीप आर्ट स्वागत करता हूं दीप आर्ट मधुबन में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को कट लेटर लिखना सिखाऊंगा। हमारे पास जो ब्रश है वो 2 इंची का ब्रश है और उससे मैं कपड़े पर लिखाई कर रहा हूं। और यह ब्रश जो है वो मिल्टन कंपनी का है। और इसके बाद जो हमारे पास पेंट है यह स्टीनर है, फास्ट रेड कलर का स्टीनर है जिसको मैं फेविकोल मिलाकर लिखाई कर रहा हूँ। और आप लोगों को एक बात बता दूँ कि कपड़े पर लिखाई करने के लिए स्टीनर में फेविकोल डालकर हम लोग लिखते हैं या तो फिर प्लास्टिक पेंट को डायरेक्ट हम लोग उससे लिखाई करते हैं। तो ये जो लिखाई कर रहा हूँ मैं फेविकोल डालकर लिखाई कर रहा हूँ, कपड़े पर लिखाई कर रहा हूँ क्योंकि ये कृष्ण जन्माष्टमी का है तो उसी की मैं लिखाई कर रहा हूँ। आप लोग चाहें तो हमारे चैनल पर जाइए, वहाँ पर आप लोगों को 3D लेटर, कट लेटर, डायमंड कटिंग लेटर, मैरिज आर्ट इत्यादि प्रकार की वीडियो मिल जाएगी। आप लोग वहाँ से देख सकते हैं और देखकर आसानी से पेंटिंग सीख सकते हैं। आप लोगों को एक बात बता दूं कि कट लेटर लिखने के लिए सबसे मेन बात होती है कि हम लोग पॉइंट पर ध्यान देते हैं कि हमारी जो पॉइंट होती है कैसे बनती है, कहाँ कहाँ से इसको कट किया जाता है, इन सब बातों को बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान देना पड़ता है। तो आप लोग वीडियो में पूरा बने रहिए और देखते रहिए कि अक्षर को कहाँ कहाँ से कट किया जा रहा है, इस चीज़ को आप लोग देखिए। यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। और एक ज़रूरी बात आप लोगों को बता दूं कि बैनर लिखने के लिए यानी कपड़े पर लिखने के लिए या दीवार पर लिखने के लिए जो हम लोग प्लास्टिक पेंट या स्टीनर का यूज करते हैं उसमें जो हम ब्रश यूज करते हैं वो शॉर्ट हेयर होना चाहिए यानी छोटे बाल का ब्रश होना चाहिए। लॉन्ग हेयर ब्रश यानी लंबे बाल का ब्रश इसके लिए उपयोगी नहीं है, इससे लिखाई अच्छी नहीं हो पाएगी। इसके लिए हमें छोटे बाल का ब्रश ही बहुत उपयोगी होता है, इससे हम अच्छे तरीके से लिखाई कर सकते हैं। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए और लास्ट तक देखते रहिए। धन्यवाद।